और गति देने का पुनः सौभाग्य मिला। थोड़ी देर पहले ही तेलंगाना आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली एक और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। ये आधुनिक ट्रेन अब भाग्यलक्ष्मी मंदिर के शहर को भगवान श्री वेंकटेश्वर धाम तिरुपति से जोड़ेगी। यानी एक प्रकार से ये वंदे भारत एक्सप्रेस आस्था, आधुनिकता, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म को कनेक्ट करने वाली है। इसके साथ ही आज यहां 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये तेलंगाना की रेल और रोड कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। मैं विकास के इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए आपको, तेलंगाना की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, तेलंगाना को अलग राज्य बने करीब करीब उतना ही समय हुआ है जितने दिन केंद्र में एनडीए की सरकार को हुए हैं। तेलंगाना के निर्माण में, तेलंगाना के गठन में जिन सामान्य नागरिकों ने, यहां की जनता जनार्दन ने योगदान दिया है, मैं आज फिर एक बार कोटि कोटि जनों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। तेलंगाना के विकास को लेकर, तेलंगाना के लोगों के विकास को लेकर जो सपना आपने देखा था, तेलंगाना के नागरिकों ने देखा था, उसे पूरा करना केंद्र की एनडीए सरकार अपना कर्तव्य समझती है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमने पूरा प्रयास किया है कि भारत के विकास का जो नया मॉडल बीते 9 वर्षों में विकसित हुआ है, उसका लाभ तेलंगाना को भी ज्यादा से ज्यादा मिले। इसका एक उदाहरण हमारे शहरों का विकास है। बीते 9 वर्षों में हैदराबाद में ही करीब 70 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क बनाया।